बारिश के मौसम में सड़कों के किनारे आप में कई लोगों ने इस छोटे से पौधे को देखा होगा। बहुत कम लोग इस पौधे को नाम से पहचानते हैं। इसे कंचट कजरा नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में कंचट के फायदों और औषधीय गुणों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कब्ज और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में कंचट का बहुत ही उपयोग होता है। कंचट क्या है? कंचट का पौधा 60 से 90 सेमी लंबा और गुदेदार तने वाला होता है। मानसून के मौसम में यह पौधा खाली पड़ी जगहों पर सड़कों के किनारे अपने आप उग जाता है। इसकी पत्तियां और सब्जियों सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। कई जगहों पर लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंचट के फायदे और औषधीय गुण और उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। अन्य भाषा में कंचट के नाम। कंचट का वानस्पतिक नाम कैमेलाइन बेंगालेंसिस है और यह कैमेलाइनसी कुल का पौधा है। आइए जानते हैं अन्य भाषाओं में इसे किन नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में कंचट कर्णमोरट वस्त्रप्रिय और कोप पुष्पी है। हिंदी में कचरा और गुजराती में शीश मूली। इंग्लिश में बंगाल डे फ्लावर और ट्रॉपिकल स्पाइडर वर्ट कहते हैं। कंचट के औषधीय गुण। कंचट तिक्त लघु वात शामक रक्त पित्त शामक मूत्रल विरेचक पुईरोधी पाचक मृदुकारी तृक्त वेदना शामक मृदु विरेचक मधुमेह हर्ब शोथ हर्ब तथा श्लेष्म स्त्राव वर्धक होता है। कंचट के फायदे और उपयोग। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की माने तो कंचट की सब्जी खाने से कई तरह की बीमारियां से बचाव होता है। आइए जानते हैं किन बीमारियों में फायदेमंद है। आंखों से जुड़े रोगों में फायदेमंद है कंचट। कंचट के पौधे को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाने से आंखों के रोग जैसे कि आंखों में दर्द जलन आदि में फायदा मिलता है। आंखों से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी के इलाज में इसका इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक की सलाह लें। नाक से खून बहने की समस्या ठीक करता है कंचट। अगर आप नाक से खून बहने की समस्या से परेशान है तो कंचट का उपयोग करें। कंचट की पत्तियों के रस को नाक में डालने से नाक से रक्त स्राव की समस्या में आराम मिलता है। कब्ज को दूर करने में कंचट के फायदे। कब्ज के कारण कई लोगों को सुबह शौच के दौरान काफी तकलीफ होती है। सही समय पर कब्ज का इलाज ना करने से कई अन्य समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। कब्ज को दूर करने के लिए कंचट की सब्जी बनाकर इसका सेवन करें। बवासीर के इलाज में लाभकारी है कंचट। बवासीर के मरीज के लिए भी कंचट बहुत ही उपयोगी है। जैसे हमने ऊपर बताया कि कंचट कब्ज दूर करने और पेट को रोग को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी है। इन फायदों के साथ साथ कंचट को पीसकर बवासीर के मसों पर लगाने से मसों में होने वाले दर्द में आराम मिलता है। पेशाब में दर्द और पथरी की समस्या दूर करने में सहायक है कंचट। कई लोगों को पेशाब करते समय दर्द महसूस होता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए आप कंचट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 5 ग्राम कंचट का पंचांग को पानी के साथ पीसकर सेवन करने से यह मिश्रण पेशाब करते समय दर्द और पथरी की समस्या दोनों के इलाज में लाभदायक है। कंचट के उपयोगी भाग पंचांग और जड़। कंचट का इस्तेमाल कैसे करें? सामान्य तौर पर कंचट का चूर्ण का इस्तेमाल 2 से 5 ग्राम की मात्रा में और कंचट से तैयार काढ़े का उपयोग 20 से 30 ml की मात्रा में करना चाहिए।
अगर आप किसी गंभीर बीमारी के इलाज में कंचट का उपयोग घरेलू उपयोग के रूप में करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।